माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध हिंदू धर्म की एक प्रमुख पौराणिक कथा है, जिसे शक्ति की विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था जो अति अहंकारी और अत्याचार करने वाला था। उसने कठिन तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया था और उसने ये वरदान प्राप्त किया था कि कोई देवता, मानव या असुर मार नहीं सकेगा। इस वरदान से महिषासुर अजय हो गया और उसने तीनों लोक में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। महिषासुर की शक्ति और अत्याचार से देवता भयभीत हो गए थे। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र सहित अन्य देवताओं को पराजित कर दिया। देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी और स्वर्ग से भागने को विवश हो गए। महिषासुर ने तीनों लोक पर अपना अधिकार कर लिया और स्वर्ग में भी अपना राज्य स्थापित कर लिया था। देवताओं ने महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए एक त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश से मदद की गुहार लगाई। त्रिमूर्ति ने एक ऐसी शक्ति की रचना की जो कि महिषासुर को पराजित कर सके। इस शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा थी। माँ दुर्गा को भिन्न देवताओं की शक्तियों से बनाया था। उन्हें सभी देवताओं ने अपने अपने हथियार प्रदान किए थे। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल, विष्णु ने चक्र और इंद्र ने वज्र दिया था। उनका वाहन जो बना उनकी शक्ति का साहस का प्रतीक था। माँ दुर्गा ने महिषासुर को ललकारा। महिषासुर ने अपनी विशाल सेना के साथ माँ दुर्गा से युद्ध किया। 9 दिन तक युद्ध, दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर ने भिन्न भिन्न रूप बनाकर युद्ध किया और धोखा देने का प्रयास किया, लेकिन माँ दुर्गा ने उसकी हरचाल समझकर उसका मुकाबला कर दिया। अतः जब महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया, तब माँ दुर्गा ने उसको अपने विशाल त्रिशूल से मार गिराया, महिषासुर का वध किया। उस माँ दुर्गा ने वध करते समय बोला, चाहे अधर्म और अहंकार कितना भी बड़ा हो, उसका नाश अवश्य होता। चाहे वह कितनी शक्तिशाली हो, अवश्य नाश होता है। महिषासुर का वध बुराई पर अच्छाई की प्रतीक है और अधर्म पर धर्म की स्थापना का प्रतीक है। इस कथा का विशेष महत्व नवरात्रि के अवसर पर होता है। जब 9 दिन तक माँ की पूजा की जाती है, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और 10वें दिन विजयदशमी या दशहरा कहा जाता है, माँ दुर्गा की जय जयकार की जाती है।